सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं अभी ब्लॉग बना ली 1:30 बजे, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, ये बहुत सारा काम करना पड़ा, ये कपड़ा भी धोई हूँ, मेरा छोटा सा दुकान है उसको झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, फिर अभी खाना बना देती हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, और अभी भी बहुत सारे कोहरा है। अब धूप का तो कोई आता पता ही नहीं है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दुकान। आप सभी के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ये मैं दिखाती हूँ मैंने सुबह सुबह क्या किया। अब मैं खाना बना रही हूँ, और पीछे का नज़ारा आपको दिखा दूँ। मैं सुबह उठ के कितने सारे कपड़ा धोई हूँ। अभी मैं बना रही हूँ बैगन। ये देखिए, बंगाली लोग ज़्यादातर ऐसा बैगन खाते हैं, हम लोग तो ज़्यादातर सब बैगन को ऐसे ही बना के खाते हैं। बैगन सब्जी भी होता है, भरता भी होता है, जैसे बनाओ वैसे खाओ, लेकिन हम लोग ज़्यादातर बैगन को ऐसे बना के ही खाते हैं, अच्छा लगता है। देखिए जैसे मछली बनाते हैं ना, तेल में भूनते हैं, ऐसे बनाते हैं हम लोग भी। देखिए ऐसा कैसा दिख रहा है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखिए कैसा लग रहा है देखने में। और इसकी सूखा मिर्ची से खाते हैं हम लोग, ये देखिए अच्छा लगता है। आप भी खा के देखिए, ऐसे दोनों को ना मिला के चावल से खाइएगा, अच्छा लगता है खाने में। अब बनाऊंगी लड़के के लिए मेरे ये आलू का भुजिया, आलू और प्याज डाल के फिर मैं बनाऊंगी उसके लिए भुजिया। वो बैगन खाता नहीं है, तो फिर उसको बना के दूंगी राइस। चलो ठीक है, फिर कैसे राइस बनाते हैं मैं फिर आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। आइए आपको दिखाती हूँ आलू का भुजिया कैसे बनाते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके जीरा डाल दिया, अब थोड़ा सा लहसुन भी डाल देती हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही जीरा डाला, ये देखिए क्योंकि राइस बनना है ना। फिर प्याज आलू दोनों मिलकर डाल दिया, तेल भी थोड़ा ज़्यादा डाला क्योंकि राइस बनाना है। हम लोग तो बैगन से खा लेंगे, मगर लड़का बैगन खाता ही नहीं है, कोई सब्जी नहीं खाता, ये बहुत दिक्कत है इसके लिए, तो दोबारा बनाना पड़ता मुझे सब्ज़ी कुछ ना कुछ। तो सब्ज़ी बना, हरा सब्ज़ी बनाओ तो लड़का खाता नहीं है, तो इसके लिए मुझे दोबारा सब्ज़ी बनाना पड़ता कुछ ना कुछ। कहीं आलू बनाओ या अंडा बना के दो, मैंने नमक डाल दिया। अब हल्दी डालूँगी, हल्दी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। मैंने इसमें एक सूखा मिर्च भी डाल दिया, ये वाला देखिए। थोड़ा सा 5 मिनट में से ढक देती हूँ, धीरे धीरे करके होता रहेगा। चलो अब हो गया। अब मैं ये देखिए, चले फिर तब तक आपको दिखाती हूँ मैं सुबह सुबह क्या क्या काम किया मैं। दो तो ये देखिए, सुबह उठ के मैं इतना सारा कपड़े धोए, ये देखिए इतना सारे कपड़े। आज ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है, फिर भी मौसम तो सही नहीं है ना, धूप तो है ही नहीं। देखो कितना कोहरा, हवा भी चल रहा है ऊपर से,
हाथ से धोना पड़ता है। मैं मशीन है मेरे पास, लेकिन एक महीने से मशीन ख़राब पड़ा है, पता नहीं इसमें कुछ चाहिए उसका सामान। वो मिस्त्री बोल रहा है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे ही कर रहा है लाने के लिए, तो पता नहीं कब लाएगा। इसके कुछ ख़राब हो गया इसके अंदर का, तो पता नहीं कब लाएगा, तब जाके ठीक होगा। चलो बंद कर देते हैं, बहुत हवा चला बाहर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक मेरा सब्जी बन रहा है, मैं दिखाती हूँ मैंने सुबह सुबह क्या क्या। ये मेरा मंदिर है, मेरा पूजा हो गया सुबह उठ के। मेरा हीटर तो बस जल ही रहा है, ये देखो क्या करे ठंडे के टाइम, कम से कम कमरा तो गर्म रहेगा ना। ये मेरा रूम है, ये देखिए ये रूम है मेरा। अभी हम दोनों का फोटो, कुछ वो मेरा लड़की का बचपन का फोटो है सब, टीवी। अरे देखो 2 बजने वाला है, मैंने खाना अभी तक बनाया नहीं, खाए भी नहीं। ये मेरा दुकान है, पता नहीं कुछ होगा शायद आनंद नगर में, हमारे यहाँ पे गांव का नाम है आनंद नगर, तो वहाँ पे कुछ होगा इसलिए माइक में कुछ बोल रहा है लोग। अरे मेरा घर पूरा मार्केट के ऊपर है, ये मेरा दुकान है, ये छोटा सा दुकान है। इस दुकान में ज़्यादातर मैं ही बैठती हूँ, और मेरा केक का दुकान है ये। मेरा दुकान में केक भी मिलता है, बर्थडे का सारा सामान मिलता है, केक मेरा पति खुद बनाता है। ये देखिए ये सारा केक मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया, ये आपको भैया ने बनाया ये सारे केक। सब आपके भैया ने बनाया सारा केक, आज तो खुद खुद बनेगा केक। पिज्जा भी बनता है लिंकन है, पिज्जा बनता है, बर्गर बनता है, फिर सब बनता है हमारे दुकान पे। और मेरा घर पूरा मार्केट के ऊपर है, मेन रोड पे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सब्जी क्या हो रहा है। लड़का नहीं तो फिर चिल्लाएगा कि मम्मी जला दिया आपने। चलो ये मेरा पीछे का नजारा है, ये देखिए मेरा तुलसी का पेड़ है, देखिए काला वाला जो कृष्ण होता है, कृष्ण पेड़ तुलसी का, वो वाला कृष्ण पेड़ है तुलसी का। ये देखिए गाइस गार्डन में तो जाने का मन नहीं कर रहा है।